Ashubhamasena Nayaka Nidratva Khandana Ashubhatma Hanite Shubhamasena Jati Shubhamasena Jati Shubhamasena Jati Shubhamasena Jati Shubhamasena Jati. Shubhamasena Nayakam Nidratva Khandanam Ashubhatma Hanate Shubhamasena Jagate Shubhamasena Jagate Shubhamasena Jagate Baalveer, pakadiye. सब लोग सुन लो, मैं इन चारों सेनापतियों को मेरे साथ लेकर जाऊंगी. Shubhamasena Nayakam Nidratva Khandanam Ashubhatma Hanate Shubhamasena Jagate Shubhamasena Jagate Shubhamasena Jagate Shubhamasena Jagate. Rok jao Mahavinash, Rok jao Mahavinash, Rok jao Mahavinash, Rok jao Mahavinash. तुम्हारी सांस क्यों अटक गई है? ऐसे पत्थर की तरह क्यों खड़े हो तुम? जवाब दो, भारत को कौन से साल में आजादी मिली? जवाब दो मुझे. अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? जवाब दो. सर वो मेरी अकल में आंसर डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है उसे. आप ना मुझे थोड़ा क्वेश्चन और वो ऑप्शंस रिपीट कर दीजिए ना प्लीज. तो एक और बार रिपीट करूं? हाँ. ओके, कर देता हूँ. तो मंटू बताओ कि भारत को कौन से साल में आजादी मिली थी? और ऑप्शंस है ए 1960, बी 1947, या फिर सी 1935, या फिर डी नन ऑफ द अबव. सर एक मिनट दीजिए, वो जवाब डाउनलोड ही हो रहा है, इतना सब आके आ जाएगा. अरे मोंटू तुम्हारी तो हार्ड डिस्क ही क्रैश हो चुकी है. मान लो कि तुम्हें जवाब नहीं आता और तुम ये शर्त हार चुके हो. रोहित ने दो ताली मारी, इसका मतलब है आंसर है बी. ताली ताली किसने मारी? वो तो पता नहीं सर, पर जिसने भी बजाई होगी ना उसने इसलिए बजाई होगी क्योंकि उसे पता है कि मैं सही जवाब देने वाला हूँ. और सही जवाब है ऑप्शन बी 1947. मानो ये गधे ने सही आंसर कैसे दिया? पता नहीं. अरे वाह मंटू, तुमने तो पहली बार में ही सही जवाब दे दिया. लेकिन उसमें क्या है, मैंने तो पहले ही कहा था कि एकदम इजी क्वेश्चन है. अब मैं तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा जो होगा ज्योग्राफी से. पूछिए पूछिए सर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट का सवाल पूछिए सर. तो मंटू बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? ए चेरापूंजी, बी मुंबई, सी कोलकाता, या फिर डी हैदराबाद.
इनके सामने तो जीत नहीं पाऊंगी। अभी यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। महाविनाशनी, रुक जाइए बालवीर। महाविनाशनी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी। शाबाश सेनापतियों, शाबाश। सेनापति तेजवार का रानी परी को प्रणाम। सेनापति वज्रवार भी आपकी सेवा में उपस्थित है रानी परी। लोहावार भी आपके प्रति निष्ठा प्रदर्शित करता है रानी परी। दंशिका भी आपको प्रणाम करती है रानी परी। शाबाश सेनापतियों, शाबाश। हमें आप चारों पर गर्व है। सेनापतियों, इससे पहले कि हम आपकी सेना को जीवित करें, हम आपकी शक्ति और सामर्थ्य का परीक्षण करना चाहते हैं। हम तैयार है रानी परी, आदेश दीजिए। तो ठीक है सेनापतियों, आप जाइए और महाविनाशनी को बंदी बनाकर हमारे सामने लेकर आइए। आपके आदेश का पालन होगा। चलो सेनापतियों। आ रहा है सर, आ रहा है, जवाब आ रहा है। आएगा तब आएगा, पर वो क्या, वो आंसर के बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया ना, उसकी स्पीड स्लो हो गई है। सर, आंसर है ए, चेरापूंजी। अरे बाप रे, सब ऐसे ताली बजाएंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ए, चुप चुप चुप, कोई ताली नहीं बजाएगा। वापिस ताली बजाए तो मुंह तोड़ के रख दूंगा। अंटो, ये क्या तमाशा है? वो क्या है ना सर, ये तालियों की आवाज से मेरा कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है सर। कॉन्सेंट्रेशन? आप पूछिए, थर्ड क्वेश्चन पूछिए। हाँ, पूछ रहा हूँ। सवालों के सही जवाब दे दिए। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने इंटेलिजेंट बन गए हो। वेरी गुड। थैंक यू सर। यस सर, मैं शर्त जीत गया। और शर्त के मुताबिक आप इन बच्चों को बोलिए कि इन्हें पूरा एक वीक शीर्षासन करना है। एक मिनट सर, आप मोंटू से और थोड़े सवाल कीजिए ना। क्यों, और सवाल की क्या जरूरत है? मैं शर्त जीत गया हूँ। हाँ, जरूरत है मोंटू, क्योंकि हम सबको तो विश्वास हो गया कि तू अकलमंद है, लेकिन सर को अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि तू इंटेलिजेंट हो गया। हाँ, और अगर तू चाहता है कि सर तुझे दिल से गधा ना बुलाए, तो सर को और सवाल पूछने दे। लगता ये दोनों पिद्दी मुझे फंसा रहे, पर कोई बात नहीं, जब तक रोहित ताली मारता रहेगा मैं सही आंसर देता रहूंगा। ओके सर, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं तैयार हूं। ठीक है, हाँ।
जगह जगह पर। अरे महाविनाशनी आ गए आप। देखिए बोलने से पहले कुछ भी बता दीजिए, केवल इतना ही हो अभी आप अच्छी परी या बुरी परी। मूर्ख, तौबा तौबा, अच्छी तो मैं कभी थी ही नहीं, महाविनाशिनी हूँ मैं। कल भी बुरी थी, आज भी बुरी हूँ, हमेशा बुरी रहूंगी। है फिर ठीक। महाविनाशिनी, आपके आदेश के अनुसार हमने जगह जगह चरण जकड़ यंत्र बिछा दिया है। बहुत अच्छी बात है, अब आगे की कहानी सुनाओ। नहीं सुनेंगे हम आपकी एक भी बात। मतलब बताइए हमें पहले ये कि हुआ था आप पर तो बुराई नाशक बाणों का वार, फिर भी बनी क्यों नहीं आप अच्छी? किया कैसे आपने ये नाटक, दिया कैसे आपने धोखा परियों को, बताइए। तो मंटू मुझे बताओ कि ताजमहल किसने बनाया? ए बाबर, बी शाहजहां, डी हुमायूं, या नन ऑफ द अबव? सही जवाब है डी। गलत जवाब। मंटू मुझे बताओ कि मानव अब आएगा मजा। तो बताओ कि मुंबई कौन से स्टेट में पड़ता है? तुम्हारे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आसाम, या फिर डी मेघालय। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है सर। अच्छा? हाँ। एकदम इजी है। ए नहीं, बी सर। सी डी। बंद करो, बंद करो। और तुम जवाब दो। सर जवाब है ऑप्शन जेड। अरे तुम जेड तक कैसे पहुंच गए? मैंने तो तुम्हें डी तक ऑप्शन दिए थे। सर आपने डी तक का ऑप्शन दिया था, पर बुक में देखिए जेड तक का ऑप्शन होगा। मैं बुक चेक करूं? हाँ। अरे बुक तू चेक कर, इसमें ऑप्शन सिर्फ डी तक है, जेड तक नहीं है। तू मान क्यों नहीं लेता कि तू शर्त हार गया है? और कल से तुझे शीर्षासन करना है 7 दिन तक, और 100 बार लिखेगा कि शीर्षासन करने से अकल नहीं आती, पढ़ाई करने से अकल आती है। ये ले। कथा था, कथा है, और कथा रहेगा। अब समझो पिद्दी लोग, ये एक्स्ट्रा ताली मारने का प्लान तुम्हारा था। तुम लोगों ने मुझे 4-4 बार उल्लू बनाया है, अब इसकी 4 गुना सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, याद रखना। परियों, आज एक बार फिर से हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, लेकिन इस सब में आप सबकी कोई गलती नहीं है। गलती तो हमसे हुई है, हमने महाविनाशिनी पर इतना भरोसा किया। लेकिन रानी परी, हम अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि महाविनाशिनी पर बुराई नाशक बाणों का असर हुआ क्यों नहीं। हाँ बाल परी, हमें भी यही प्रश्न सता रहा है कि आखिर महाविनाशिनी ने ये सब किया कैसे। लेकिन हम इस बात का पता लगा कर रहेंगे ताकि महाविनाशिनी हमें अपनी अगली किसी भी चाल में ना फंसा सके। परियों की आंखों में धूल में इसलिए झोंक पाई तौबा तौबा, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि परियां बुरा इनाशक बाणों का उपयोग करके मुझ पर वार करेगी। पहले से पता चल गया था? कैसे?
उस दिन भी हमेशा की तरह मैं बालवीर के अंत की योजना सोच रही थी कि अचानक विनाश लोक का चेतावनी यंत्र बज पड़ा। चेतावनी यंत्र बजने का अर्थ है कि किसी ने श्वेत लोक से बुराई नाशक बाणों का तरकश चुराया है। ये काम सिर्फ बालवीर या रानी परी कर सकती हैं, ताकि मुझ पर वार कर सके, मुझे अपने जैसा बना सके, अच्छा बना सके। पर यूं तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हर चाल का उत्तर मैं गहरी चाल से दे सकती हूं। बाण मुझे छू भी नहीं सकते परियों, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बाण मुझ पर वार कर रहे हैं, पर असल में तो तुम्हारे बाण इस अदृश्य कंबल के कवच के कारण मुझे छू भी नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही हुआ तौबा तौबा, सदृश्य कंबल ने मुझे उन बाणों से बचा लिया। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, सिरोही राजस्थान से दिनेश परमार, बेगूसराय बिहार से पंकज कुमार, रायगंज वेस्ट बंगाल से मोहम्मद मुहिद्दुम, बरमेर राजस्थान से ऋतिक संकलेचा, पूर्णिया बिहार से मरूफ हसमी, अहमदनगर महाराष्ट्र से अनुजा अनमल और सुनम पंजाब से पंजाब गुगलानी ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा बुजुर्ग लोगों को सड़क पार करने में मदद करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का खास पत्र। दोस्तों, यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है जयपुर राजस्थान से पिंटू नागरवाल ने। दोस्तों, पिंटू ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वह हमेशा अपने माता पिता को घर के छोटे बड़े कामों में मदद करते हैं और साथ ही साथ माता पिता का दिया गया हर कार्य वो खुशी से करते हैं और उनका वो आदर भी करते हैं। बहुत अच्छे पिंटू, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। तो दोस्तों, अगर पिंटू की ही तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद, तो हमें लिख कर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए sabtv.com पर। हो सकता है अगला खास पत्र हो आपका। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।